हैं जिसकी वजह से इसको खोलना पड़ रहा है। एक जन नूटल नहीं दिखाई। देखिए आप यहाँ पे एक नॉइज सुन सकते हैं। एक बार दोबारा स्टार्ट करिए। देखिए आप थोड़ा सा पास लेके जाइए। और इंजन में एक नॉइस आ रहा है। तो सबसे पहले इंजन खोल लेते हैं और दिखाते हैं, खोलते रहते हैं, दिखाते रहते हैं कैसे क्या क्या करते हैं। नमस्कार दोस्तों, दिस इज मोनू सागर और आप देख रहे हैं रॉयल इनफील्ड टिप्स एंड ट्रिक। आज हम बात करने वाले हैं यूसी इंजन की। यूसी इंजन के अंदर एक साउंड आ रही है। सबसे पहले आपको एक साउंड सुनाएंगे अभी और फिर बताएंगे कि इसको कैसे ठीक किया जाता है, इसमें कितना अप्रोक्स पूरा कितना खर्चा आएगा और कैसे क्या क्या करना होता है, हर चीज़ डिटेल में वीडियो बन रहा है। मेक श्योर आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अभी तलक का भाई काफ़ी देर से लगा था, इन्हें आर एच के ओवर खोल दिया, एल एच के ओवर खोल दिया है और अभी हेड खुलने की तैयारी चल रही है। अभी मैं खाना खाने गया था, अब मैं फ्री हो चुका हूँ, भाई जाएगा खाना खाने के लिए और अब काम स्टार्ट मैं करता हूँ।
चलिए दो टुकड़े करने के लिए सबसे पहले चैम्बर के यहाँ पर जगह दे रखे, इसको करें ठीक है। और अभी हमने गियर बॉक्स इसके अंदर ही रहने देना है और सिर्फ ये सामान बाहर निकालना है। तो इधर की साइड से बाहर निकालें इसको, इंजन को इस साइड से बाहर निकालेंगे तो बाकी सामान इसके अंदर ही रहेगा और सिर्फ अदरवाइज गियर बॉक्स के सारे गियर बिखर जाते हैं। और पेचकस बीच में ना डालें, पेचकस यहाँ डालेंगे तो प्रॉब्लम क्या होती है कि बाद में लीकेज की प्रॉब्लम आती है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। और अभी एक हमें चाहिए हथौड़ी, यहाँ पे ये क्रैंक के अंदर थोड़ा सा टाइट होगा और यहाँ पे देख सकते हैं पूरा इंजन के अंदर का आइटम आपको बिल्कुल रूबरू कराएंगे, बिल्कुल बारीकी से नज़दीकी से। उससे पहले एक बार मैं ज़रा अपने हाथ साफ कर लेता हूँ। तो अब ज़रा मोबाइल को हाथ में ले लेते हैं और नज़दीक से दिखाते हैं। देखिए सबसे पहले हमारे पास जो इंटरफेस आता है सामने वो है ये वाशर किस चीज़ की है, और ये वाशर हमारा दूसरे चैम्बर के दूसरे केस के अंदर यहाँ पर लगती है इस तरह से कुछ, ठीक है। तो ये याद रखें हमेशा, ये मैं नॉर्मल आपको बता रहा हूँ। और ये है हमारी क्रैंक, क्रैंक के ऊपर एक वाशर रहती है, वो वाशर यहाँ पे को रहती है, इसको ऐसा रहने दें ठीक है। और क्रैंक को आराम से बिल्कुल बाहर निकाल दें, देखिए आराम से बाहर निकल जाएगी। ये है क्रैंक, और जो एक इंजन के अंदर नॉइस आ रही थी वो 100% यहीं से थी, क्योंकि जो इंजन का ये वाला बैरिंग रहता है वो बैरिंग ख़राब हो जाता है, ये बैरिंग ख़राब हो जाता है जिसकी वजह से नॉइस काफ़ी ज़्यादा आती है, एक अजीब सी साउंड आती है। दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इस इंजन को पूरा जो खोला है उसके पीछे मेन कारण क्या है। देखिए आप यहाँ पे, ये मेरे पे क्रैंक है ठीक है। अब मैं एक साउंड आएगा उसको नोटिस करना, एक साउंड आ रहा होगा और यही जब हाई आरपीएम पे इंजन घूमता है तो एक नॉइस आता है। इसके अंदर रोलर होते हैं, वो बैर टूट चुके हैं और जिसके कुछ कण मेरे को यहाँ देखे नज़र आ रहे हैं बाहर निकल के, इसके इंजन के अंदर से बाहर निकल रहे हैं। और इधर आप चैम्बर में देख सकते हैं काफ़ी सारा गंदगी है, ये देखिए। इसके ऊपर कितना भी तेल डाल दो इंजन सक्सेस नहीं होगा, है ना। तो फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। आप मेरे को बताइए कि इसके अंदर आपको क्या जानना है, उस टॉपिक के ऊपर मैं कल या परसों वीडियो बना दूंगा ठीक है। क्योंकि अभी 2-3 दिन लगेंगे यहाँ से बाहर जाएगा बनने के लिए, क्रैंक हमारे पास नहीं बनता, दूसरे के यहाँ बनता है, ख़राब मशीन बोलते हैं उसको। तो फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही है, वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।